हमारे इलाके में सर 4 माह से 3 बंदे वारदातें कर रहे हैं, उनके पास असला भी और माल मसरूका भी सर, अगर फौरी रेड किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। रवा साल डकैती, स्ट्रीट क्राइम और चोरी की बढ़ती वारदातों के बाइस शहरी खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। शहरियों को खौफ से निकालने के लिए पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई के हवाले से प्लान तरतीब दे दिया गया है। 3 डाकू जो मौजूद है एक ऐसे घर पर जहाँ वारदात के बाद वो छुप जाते हैं और उन डाकुओं को गिरफ्तार करने के हवाले से इन्वेस्टिगेशन रायमंड पुलिस ने कार्रवाई मुकम्मल करनी है। और आपको इस कार्रवाई में एक अहम जो बात है वो ये बताता चलूं तो इस वारदात के दौरान मजाहमत पर लड़की से रेप भी किया गया है। पुराने वारदात, लड़की से ज्यादती, रायमंड इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई को किस हद तक कामयाब बनाया जाएगा और ये तीनों मुल्जमान कौन है जो इस कार्रवाई में मुलविस थे, उन दृढ़तासिफ्त मुल्जमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने के लिए पुलिस की टीमें तैयार हैं। इन्फॉर्मर की तरह भी आपका सर, मेरा इन्फॉर्मर पास ही, आप उसको बुलाएं जल्दी से। अरे आप रायमंड इन्वेस्टिगेशन पुलिस के साथ हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला मिली है और पुलिस अपना प्लान तरतीब दे चुकी है और अब हम डाकुओं की तरफ बढ़ेंगे और डाकुओं की गिरफ्तारी किस तरह अमल में लाई जाएगी। अदनान इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं रायमंड थाना सिटी के, तो ये अपनी नफरी के हमराह यहाँ पर मौजूद हैं और डिस्कशन का अमल जारी है और जो जो इत्तला सोर्स के थ्रू इनको मिली थी और उसी को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए अमल पैरा है। अभी आप सुन लें, ये हमारा एक रेड है, बड़े खतरनाक मुलजमान है और ये फायरिंग भी कर सकते हैं आगे से और किसी बंदे ने बिना वजह फायर नहीं करना, मेरा वेट करना है, मैं आपके साथ एडवांस हूँ और ये बंदे वारदातें करते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन है इनकी सर, लोकल इन्फॉर्मर है, उसने हमें बताया वारदातें करते हैं और बड़े खतरनाक मुलजम है, इनको बड़े टेक्निकली और बड़े प्रोफेशनली हमने हैंडल करना है, ठीक है। इसी ने बिना वजह फायर नहीं करना, अंटिल एंड अनलेस मैं आपको बताऊं तब आपने फायर करना है और अपने आप की हिफाजत सबसे पहले करनी है, सबसे पहले हमारी अपनी सेफ्टी है, उसके बाद हमने आगे एडवांस करना है। सर सॉरी आपको कार्रवाई के दौरान डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको जो अब तक की इन्फॉर्मेशन थी वो आप यकीनी तौर पर समझते हैं कि डाकू की मौजूदगी अंदर पाई जा रही है? हमारे साथ ये अभी हमें 2 डाकुओं का पता लगा है, ये बड़े इंतहाई खतरनाक मुलजमान है, ये पिछले 4-5 माह से वारदातें कर रहे हैं और इन्होंने वारदात के दौरान फायर भी मारे हैं, कई बंदों को जख्मी कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, और जी डकैती के दौरान अभी जब हम इनको रेड करके पकड़ेंगे तो हो सकता है ये आगे से कोई मजामत करेंगे, आगे से फायरिंग भी करें, तो फरार होने की कोशिश तो हर बंदा करता है जी। क्रिमिनल जो होता है वो एक ऐसे घिनौने फेल में मुलव्वित होता है, उसने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग भी करनी होती है, तो आपने सारे हिफाजती इकदामात पूरे कर लिए? जी अल्लाह के फजल से हम बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जरा आप हमारे से जरा पीछे रहिएगा। बिल्कुल ठीक है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभाने जा रही है और हम भी इनके साथ होंगे लेकिन अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और डाकुओं को गिरफ्तार करने में देखते हैं कि रायमंड इन्वेस्टिगेशन पुलिस किस हद तक कामयाब हो पाती है और जो डाकुओं की मौजूदगी के हवाले से इत्तलात मिली है वो किस हद तक दुरुस्त है, ये कार्रवाई के दौरान पता चलेगा। अदनान जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रायमंड सिटी के हैं, उन्होंने भी पिस्टल थाम रखा है और इसी तरह सब थानेदार और जो पुलिस मुलाजमीन हैं अपनी अपनी जो हफाजती आलात हैं वो साथ लेकर आए हैं और अब डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ेंगे और ये ऑपरेशन के हवाले से सारे अहवाल आपको जानते रहिए प्रोग्राम थानेदार में, आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ जी तमाम रेडी हैं? यस सर। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। जी ये कार्रवाई के लिए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अदनान अपनी नफरी के हमरा आगे बढ़ रहे हैं और सारी कार्रवाई के हवाले से आपको दिखाते हैं कि पुलिस किस तरह कार्रवाई अमल में लाती है। जो अवाम के जानो माल को नुकसान पहुंचाते हैं उनके हवाले से पुलिस अब तगोदो कर रही है, कोशिश कर रही है कि उन मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और अवाम के जानो माल को महफूज बनाने में हमारी पुलिस पेश पेश रहती है क्योंकि इन पर अवाम के जानो माल को महफूज बनाना है और अपनी हिफाजत भी करनी है। तो ये आप देख सकते हैं ये किस तरह पोजीशन ले रहे हैं और ये पुलिस की नफरी मौजूद है। बिल्कुल हम भी बड़े एहतियात के साथ उनके पीछे पीछे जा रहे हैं
ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अदनान डायमंड सिटी वो आगे बढ़े हैं और साथ ही उनके साथ गनमैन भी हैं। एक डायमंड के इलाके में कार्रवाई की जा रही है और हम उनके बहुत पीछे पीछे हैं, क्योंकि हमने अपनी हिफाजत का भी ख्याल रखना और पुलिस की जो जिम्मेदारी है उसको दिखाना है कि वो किस तरह अपनी जिम्मेदारी को ऐसे अंदाज से निभा रहे हैं। ये पुलिस ने घेरे में ले लिया है और अदनान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राइवन पोजीशन के हवाले से बता रहे हैं कि किस तरह फॉलो करना है। ये इलाके को घेरे में लेने के बाद अब जिस घर में डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला है उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं और ये वो सामने घर है और बाहर एक मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है। हम देखते हैं कि पुलिस की तरफ से किस तरह कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ये दरवाजे को नोक किया जाएगा, ये बिल्कुल दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था तो मुलजमान आप अपनी गिरफ्तारी दे दें। पुलिस घर में दाखिल होने लगी है और ये पुलिस दाखिल हो गई है और डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। पुलिस की तरफ से अभी फायरिंग का अमल शुरू हो चुका है, एक डाकू ने फरार होने की कोशिश की थी। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फायरिंग करते हुए मुजरिम को फरार होने से बचाया गया है और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी अमल में ले आई है। पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है और जो दो और मुलजमान के हवाले से जो इत्तला मिली थी उनको भी गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हो चुकी है। अमल जारी है। तो ये तीन डाकू थे जिनके हवाले से इत्तला मिली थी और ये वारदातें करते थे। ये डाकुओं से भी बरामद हुई है, वारदात करते हैं। ये डराने वारदात जो शहर से लूटा जाने वाला माल है वो बरामद कर लिया गया है और पुलिस की एक कामयाब रेड है और सर्चिंग का अमल जारी है। एक शख्स से पैसे रिकवर हो चुके हैं। सर ये डाकू से रिकवर हुए हैं? जी ये डाकू से भी रिकवर हुए हैं। ठीक है, ये क्या दिखाएं? ये भी पैसे निकले हैं। ये क्या, कहाँ से लिए पैसे आपने? ऊपर करो, क्या करते हो? डाके डाल, डाके डालते हो जी? कब से काम कर रहे हो? है? काफी दिनों से कर रहे हो। काफी दिनों से कर रहे हो जी? आप भी काफी दिनों से कर रहे हो? डकैतियां करते हो? डकैतियां करते हो? कितनी वारदातें की है? 30 बार। नाजरीन 30 वारदातों में ये डाकू मतलूब थे और रायवंड इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ये कार्रवाई अमल में लाई है और ये डाकुओं के जरिए इस्तेमाल जो पिस्टल है वो भी बरामद कर लिया गया है और इसको अब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया है। वो इसको देखते हैं क्या करते हैं और सर्चिंग का अमल जारी है। ये एक और पिस्टल, ये पिस्टल किसकी है? पिस्टल किसकी है? हमारे। किस तरह वारदात करते थे? मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल पे? सर मोटरसाइकिल जो इनके इस्तेमाल में थी वो किधर है? मोटरसाइकिल कहाँ पर आपकी? बाहर खड़ी। मोटरसाइकिल यहाँ से बरामद हो चुकी है? बरामद हो चुकी है। बरामद हो चुकी है। पुलिस की तरफ से अब गिरफ्तार डाकुओं को ये हथकड़ी लगाई जा रही है और ये आप बुरा काम करते हैं तो बुरे काम का ये अंजाम भी बुरा होता है। बस एक दफा गलती की माफी मिल जाए, बात नहीं करें। 30 वारदातें तो कीती हैं, तू माफ किता किसे नो? सब एक दफा गलती की माफी मिल जाए। अभी आप क्या कर रहे थे? दोनों भाई। भाई हो आप जी के? दोस्त हो? भाई है। भाई हो? अभी इधर बैठ के दोनों क्या कर रहे थे? अभी बताओ। चोरी की प्लानिंग बना रहे हैं। दोबारा प्लानिंग कर रहे थे जी वारदात के लिए जी?
बिल्कुल, अब पुलिस की तरफ से तफ्तीश का अमल जारी है और जो इस्तेमाल शुदा असला था वो बरामद कर लिया गया है डाकुओं के जरिए इस्तेमाल, और जिस डाकू ने भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस की तरफ से फायरिंग का अमल में लाया गया, तो ये वो डाकू है जो फरार होने की कोशिश कर रहा था। तो अब तीनों डाकुओं को इकट्ठा किया जा रहा है और ये एक कामयाब रेड है जो आप देख रहे हैं लाइव, और बड़ी महारत के साथ, दलेरी के साथ राइवन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाई है और ये जो फरार होने की कोशिश कर रहा था उसकी भी तलाशी ली जा रही है। तो अब हम देखते हैं कि ये इसकी जेब से क्या निकलता है। ये एक मास्क का भी इस्तेमाल करते हैं दुराने वारदात, और वारदात के दौरान शहरियों से लूटे जाने वाला माल भी बरामद हो चुका है। ये पैसे किसके हैं भाई, कहाँ से लिए पैसे? चोरी किए। चोरी किए? कहाँ वारदात की है? इधर लाहौर रोड पे। कौन सी रोड पे? लाहौर रोड पे। रायमंड के एरिया। अच्छा, रायमंड का ये इलाका है। इसको भी लगा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? मांगा रोड पे। तो बाकी कहाँ के रहने वाले हैं? इसका नहीं पता है, पता नहीं किधर कच्ची कोठी रहते हैं, किधर रहते हैं, नहीं जानते इन लोगों का। अभी इधर क्या कर रहे थे तीनों बैठकर? मशवरा कर रहे थे। किस चीज का? और चोरी का। डकैती का? चोरी का? डकैती का। डकैती का। तो जो पिस्टल अब पुलिस ने बरामद किया आपसे, वो कहाँ से लिया था? वो यही लेके आए, पता नहीं किधर से लेके। चले सर, इनको अब थाने की तरफ शिफ्ट करते हैं। जी, अब थाने हम शिफ्ट करते हैं, फिर मजीद इंटरोगेशन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसकी तरफ से अब जो कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है उसको अब थाने में शिफ्ट किया जाएगा। तीनों मुल्जमान को हथकड़ी लगाने के बाद उनसे तफ्तीश के लिए थाने में मुंतकिल किया जा रहा है, और ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अदनान है और उनके साथ उनकी नफरी है जिन्होंने इस रेड को कामयाब बनाया। यहाँ पर असगर भी मौजूद हैं और शेर अली वो भी मौजूद थे, और उनके साथ पुलिस मुलाजमीन भी मौजूद थे जो इस कार्रवाई का हिस्सा थे। और ये तीन डाकू हैं जो शहरियों को गन पॉइंट पर लूटते हैं, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से जो पिस्टल थे वो बरामद कर लिए गए हैं। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और जो तीन डाकू गिरफ्तार हुए हैं उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि शहर में बढ़ती वारदातों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से गश्त की सूरतेहाल को बेहतर बनाने के साथ साथ मुल्जमान की गिरफ्तारी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। तो ये तीन डाकू गिरफ्तार हो चुके हैं, अब इनको थाने में मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद जो इस इनकशाफात के हवाले से हम बात करेंगे थाने में जाकर, हमारे साथ रहिएगा। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और उनकी टीम की तरफ से जो कार्रवाई अमल में लाई गई है उन तीनों डाकुओं को अब ये आप देख सकते हैं कि थाने में मुंतकिल कर दिया गया है, और अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए इनसे तफ्तीश भी की जाएगी और क्या क्या ये इनकशाफात करते हैं वो आपको मजीद बताते हैं। ये पैसे डाकुओं से बरामद हुए? डाकुओं से बरामद। वारदात के पैसे? वारदात के पैसे। ये डाकू के इसको आपने एनएसपी किया है? खाली कर दिए। शाबाश, तमाम टीम ने बहुत अच्छा रेड किया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई थी और एक कामयाब रेड थी। असगर साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन तो दुरुस्त निकली। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, शाबाश। जी सर, हमने इसी तरह मेहनत से काम करना है। अभी अगला प्रोसेस है कि हमने गिरफ्तारी तो कर ली है। जी सर, लेकिन इससे ज्यादा अहम प्रोसेस है इनकी इंटरोगेशन करना, जिनसे हमने चीजें उगलवानी है, इनसे पूछना है। जी सर, इंशाल्लाह। आपको पता है कि ये पहले जेल जा चुके हैं? इन्फॉर्मेशन है आपको? जी सर है।
कितने बंदे जेल जा चुके हैं सर? एक बंदा है वकास छुरा जी, ये मैंने उसको उधर ही पहचान लिया था सर, दुराने रेडी है छुरा, इसने गैंग बनाया हुआ है सर अपना, ये पेशा वराना क्रिमिनल है सर, साहबकार कार्ड याफ्ता, ये दो दफा सीआरएन कार्ड का पता है आपको, इनका है सीआरएन कार्ड चेक जी है सर, इस पर 14 मुकदमा दर्ज है ऑलरेडी सर, चोरी के और राजदारी के। छुरा कौन है जी? वकास छुरा सर, ये जो दरमियान में खड़ा है, मैंने उसको पहचान लिया था उधर ही सर, दुराने रेडी, ठीक है। ये सर पेशा वराना क्रिमिनल है, इसका साबका बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है सर। ओके हाँ जी, आपको पता है इंटरोगेशन का असूल है कि इंडिविजुअल इंटरोगेशन करते हैं जी, जी। एक मुल्जम की करेंगे, फिर दूसरे की और फिर तीसरे की जी सर, इकट्ठी नहीं करेंगे। हाँ जी, एक मुल्जम खड़ा रहेगा, बाकी आप जरा इसको बाहर ले, वकास छुरे को यहीं पे रहने दें, बाकी सारे दोनों को बाहर भेज दें थोड़ी देर के लिए। नाज़रीन, ये वो तीन डाकू हैं जो जरा भी डर और खौफ नहीं रखते थे, और फिर आज ये इनके चेहरे देख लें कि किस खौफ में मुब्तला हो चुके हैं, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि गिरफ्तारी हो जाती है, जो गलत काम करता है उसको गिरफ्तार करना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं है, और अवाम के जान माल को महफूज बनाने के लिए पुलिस की जो ड्यूटी है वो बड़ी सख्त भी है, और कार्रवाई को यकीनी बनाना वो इनका क्रेडिट है, और अब इनसे तफ्तीश का अमल शुरू होने लगा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं उस मुल्ज़िम की तरफ बढ़ूं और उसका चेहरा सब देख सकें। कितने मुकदमे आते हैं नंबर पहले? 14 मुकदमे दर्ज। अभी तो दोबारा जेल से आने के बाद कितनी देर पहले जेल से आए थे? एक साल पहले। तो अभी कितनी वारदातें की हैं जेल से आने के बाद? 23 वारदातें कर चुका हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ वारदातें की हैं जरा बताएं? ये पहली मैंने लाहौर रोड पे की है। ऊंचा बात करो। लाहौर में, लाहौर के पास की है। किधर किधर की है वारदातें? लाहौर के पास के वो खलकी चोकर की दुकान है, उसमें की है। फोन कॉल पे एफआईआर निकाले, ये बता रहा है खल चोकर की दुकान पे वारदात की है। ये गैंग है, आपने वहाँ पे क्या पहना हुआ था जब खल चोकर की दुकान पे वारदात की थी? मास्क पहना हुआ था, काले कलर। और कपड़े कौन से पहने थे? यही पहने हुए थे जो पहले। इन्हीं कपड़े में वारदात की थी? हाँ जी। एग्जैक्ट सेम इसी तरह की वारदात और भी हुई है हमारी, इनसे पूछे इस खल चोकर की दुकान के अलावा और करीब करीब कौन सी वारदात की है? हवेली में की है। हवेली में की है वारदात आपने? वेरी गुड। आपको पता है हवेली वाली वारदात का? जी, वहाँ पे पुराने वारदात सुना हुआ था। हाँ जी, क्या हुआ था? पुराने वारदात सुना, आपने वो वारदात दी है? खेती के दौरान जना हुआ है, हमारे पास मुकदमा दर्ज है अपना इधर। इसको आगे करें। 1963/20 आगे 1963/20 आपने वारदात की है 2020 में? कौन सी ऐसी घिनौनी वारदात ये डाकू जो वारदात के बाद हवेली हवेली का बताओ किसका निशाना बनाया गया? घर में हमने तीनों ने वारदात की है, तीन जने ने। और कितने कमरे थे उस हवेली में? एक दो कमरे थे, एक आगे बरामदा था। दो कमरे थे? हाँ जी। हवेली में कौन कौन मौजूद था? उस मियां बीवी थे और उसका एक बच्चा था। कैसे वारदात की, जरा पूरी बात बताओ ना। गन पॉइंट पे हमने वारदात की है, तो हमने पहले तीन चार दिन हमने राखी की है, राखी करने के बाद हमने डकैती की है, डकैती करने के बाद हमने जना किया। कितने बजे का टाइम था वारदात का? रात के 10 बजे का। और किस तरह अंदर एंटर हुए आप? रात के बारिश आ रही थी तो बत्ती गई हुई थी। वारदात के दौरान कितने लोग थे? हम तीन थे। कौन कौन? मेरा नाम वकास है और इब्रार और वकार, हम तीन जने। तो इनमें से भाई कौन है आपका? वकार। वकार भाई है? हाँ जी। बड़ा है छोटा है? बड़ा मुझसे। तो उसने भी नहीं बताया कि गलत काम करने जा रहे हो? नहीं, वो भी गलत काम में पड़ गया। हाँ जी। कब से आपके दोनों भाई वारदातें कर रहे हैं? कब से ये गैंग बनाया हुआ है आपने? ये 2017 में बनाया हुआ। 2017 में गैंग बनाया हुआ है? तो सर ये कई सालों से वारदातें कर रहे हैं, और ये एक बड़ी कामयाबी है लोगों की। ये अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है, इस वारदात में हमने काफी मेहनत की थी लेकिन हमें कामयाबी नहीं हुई थी। अभी ये बता रहे हैं इस वारदात का इसने इंकशाफ किया है, चूंकि मैंने इस वारदात में काफी वर्किंग की थी, मुझे पता था कि जो सामने खल चोकर की दुकान है उसमें इसने वारदात अगर की है तो सेम होली वाले बंदे ने सामने वारदात की थी एक और हवेली में, ठीक है, जहाँ पे दुराने वारदात साथ रेप हुआ हुआ है। दुराने वारदात रेप हुआ हुआ है? हाँ जी। आपने वारदात की थी? हाँ जी। रेप किसने किया था? हम तीनों ने किया। तीनों ने रेप किया था? तीनों बंदे हमने पकड़ लिए, मौजूद है हमारे पास। ये वो दरिंदा सिर्फ मुल्जम है जिन्होंने दुराने वारदात खतून को ज्यादती का निशाना बनाया, और इसके अलावा दर्जनों वारदातों के हवाले से इसने इंकशाफ भी किया है, और जब कार्रवाई अमल में लाई गई तो ये इनसे पैसे भी बरामद हुए हैं। तो इनके कब्जे में जो दो पिस्टल थे वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, और ये वारदात के दौरान इस्तेमाल करते थे। हाँ जी।
वारदातें की हैं? लाखों रुपया तो लूट लिया होगा शहरियों से आपने। गन पॉइंट पे वारदात करते थे? हाँ जी। हवाई फायर भी किए? दसवीं भी किया हुआ। कौन कौन सी जगह पे वारदात की है बताएं? लाहौर रोड पे की है और ये पुराने दुकानों पे की है कि घरों में भी की है? दुकानों में भी की है। कौन सी दुकान पे की थी? वाली दुकानों में। क्या नाम था मोबाइल वाली दुकान का? स्लिम मोबाइल वाला। स्लिम मोबाइल वाली वारदात की एफआईआर हमारे पास ऑलरेडी दर्ज है। अच्छा, वो वारदात हुई थी के गिनती वारदात जी ये ड्राइवर। तुम कहाँ के रहती हो? मैं तीन मल्ला स्कीम का हूँ। ड्राइवर के? हाँ जी। ये ड्राइवर का एरिया अच्छी तरह जानता होगा क्योंकि लोकल रहती है। तो किराए पे रहते हो? अपना घर है? किराए पे रहता हूँ। कब से रह रहे हो किराए पे? तीन चार साल हो गए। वारदात के बाद घर किराए वाला चेंज कर लेते थे या वही घर में रहते थे? वही घर में रहते। वही घर पे रहते थे। ठीक है, मजीद आप दूसरे मुल्जमान की इंटरोगेशन कर लीजिए। ठीक है, उनको भी बुलाएं। जी सर। दो साथी और हैं, अब उनको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की तरफ से तलब किया गया है और उनसे भी इंटरोगेशन की जा रही है। तो अब देखते हैं कि जो वकास छुरा ने इंकशाफात किए हैं उनके जो तफ्तीश है इनसे मिलती है, फिर आगे लेकर चला जाएगा तफ्तीश को। ये आपका भाई है? ये जी इनका। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद वकार। कितनी बार देते की है अभी? अभी किए 30 बार देते की थी। कहाँ कहाँ पर की थी? लाहौर रोड पे की। चोरियाँ की हैं? डकैतियाँ भी की? चोरी की थी। डकैतियाँ पिस्टल के साथ की हैं? जी। अभी कहाँ कहाँ पर की है वगैरह बताओ ना वारदातें। एक सलीम मोबाइल वाले। अच्छा, और एक गफार मोबाइल वाले। लाहौर रोड पे की है वो वारदात? लाहौर रोड पे एक हवेली वाले की थी। हवेली वाले वारदात के हवाले से सर मैं इससे भी बात कर लूं। जी। आपके भाई ने इंकशाफ किया है कि दौरान वारदात तीनों ने ज्यादती का निशाना बनाया खतून को। जी। आपकी शादी हुई हुई है? जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो बेटी हैं। दो बेटियां? शर्म तो नहीं आती होगी आपको? खुद बेटियों वाले हो और दूसरों की इज्जत उछाल रहे हो। जो भी होगा सर जी, इसके लिए मुझे माफी दे दो सर। शादियों को माफ किया आपने? नहीं किया। किस तरह वारदात करते थे? मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल पर तीनों बैठे होते थे? जी। रैकी भी करते थे? जी। आप पहले पकड़े गए हो? नहीं। सर जी, इनका अंजाम क्या होना चाहिए? ये तो बड़े घिनौने फेल में मुलव्वस हैं ये सारे। ये अभी आपके सामने इन्होंने इंकशाफ किया है कि ये वारदात पे हमने बहुत मेहनत की थी लेकिन अभी हम इस तक पहुंच नहीं सक रहे थे। ये जो लोकल इन्फॉर्मेशन मिली है अभी और हमने सीडीआर का डाटा निकलवाया था, वो इन्फॉर्मेशन और सीडीआर का डाटा मैच कर रहा था। और इनकी इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने दोनों ने वारदातें की हुई है, दोनों के जो क्वेश्चन है आंसर है वो मैच कर रहे हैं। जी, क्योंकि बंदे को भी क्योंकि जो इंटरोगेशन है वो आपको पता है अलग अलग पूछने से पता चलता है कि बयान अगर मैच हो तो दोनों के सेम है। सेम है। तीसरे मुल्जिम को बुलाएं जी। नादरीन, ये दोनों भाई हैं और दोनों को आप देख सकते हैं कि अब किस तरह मासूम बने बैठे हैं, जबकि ये दरिंदा सिफ्त मुल्ज़म है और इनको गिरफ्तार करना पुलिस की मजबूरी भी बन चुकी थी और उसको आप देख सकते हैं कि ये तीनों ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ के रहने वाले हो? बागी रोड पे। कितनी बार रहते हैं अभी तक? 28-30 बार रहते हैं। 28-30 बार रहते हैं। पिस्टल के साथ किया या चोरियां की हैं? पिस्टल के साथ कुछ चोरियां की, कुछ पिस्टल के साथ की। कहाँ कहाँ बार रहते हैं? लाहौर रोड पे की है। कहाँ पे? खाल चोकर वाली दुकान पे। खाल चोकर वाली दुकान पे किया वारदात आपने? क्या छीना था वहाँ से? वहाँ थोड़े पैसे थे थोड़े से। उस दुकान के आसपास भी कोई वारदात की है? हाँ जी, हवेली की एक हवेली है उधर। हवेली में वारदात की है? हाँ जी। कितने लोग थे? दो लोग थे। उस हवेली में दो लोग थे? हाँ। आप लोग कितने लोग थे? तीन थे। तीन कौन कौन? मैं, ये तीन दोनों। तो किस तरह वारदात की थी बताओ? हवेली के अंदर गए हम छलांग मार के अंदर। एक भाई थे आधे मंजे थे, एक बच्चा थे, एक औरत सी। उत्थे गए तो पैसे लुटे थी बंदे ने बन्ने। गन किसके पास थी? गन विकास के पास थी। एक हमारे पास थी तो वारदात की। जब उनसे सामान छीना? हाँ जी। और क्या किया? 1000 रुपया था। और साथ क्या किया? उसके साथ ज्यादती की और तीनों। आपकी शादी हुई हुई है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे। तीन बच्चे हैं? जी। तो बच्चों का सोचा नहीं आपने? बस गलती होगी सर। पकड़े जाने के बाद गलती का इतराफ कर लेते हो आप लोग? जब वारदातें करते हो तब कोई नहीं समझाने वाला आप लोगों को?
बच्चों की तरबियत भी यही करते हो गए, बड़े होकर डाकू बनना है? आइंदा नहीं होगी, माफ कर। आप लोग तो माफी के काबिल नहीं है, इतना घिनौना फेल किया आपने। मेहनत करता हूँ आपकी, आप सब मुझे माफ कर दें। सख्ती से निपटा जाएगा, आपको सजा दिलाई जाएगी। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये तीन मुल्ज़मान हैं जो 2017 से वारदातें करने के हवाले से इंकशाफ किया है, 30 वारदातों के हवाले से ये मान्य है, बाकी अभी इंटरोगेशन मजीद चलती रहेगी और इनके कब्जे से नकदी और असला बरामद कर लिया गया है। एक बहुत ही घिनौनी और दिल खराश बल्कि ये वाकया है, जो वारदातें तो करते हैं, गन पॉइंट पर डकैती कर ली, पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया, लेकिन एक घर में जाकर वारदात करना और वारदात के बाद जो बच्चों की माँ थी उसके साथ इन तीनों ने रेप किया और उनके शोहर को बांध दिया गया। अब ये तीनों मुल्जमान दरिंदा सिर्फ मुल्जम, तो ये एक मैसेज भी है सबके लिए कि जो बुरा काम करता है उसका फिर अंजाम भी आप देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से फिर गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाती है और फिर उसको कानून के मुताबिक सजा दिलवाने के हवाले से कानूनी जो तकाजे हैं वो भी पूरे किए जाते हैं। इन तीनों मुल्जमान को अब सर कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? ये तीनों मुल्जमान को अब इंटरोगेशन रूम में शिफ्ट किया जाएगा, फिर इनकी इंटरोगेशन की जाएगी और इनकी मोबाइल डाटा निकलवाया जाएगा, फिर जो ये बयान देंगे उसको और इनकी कॉल डिटेल को मैच किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो SP साहब है ईसा खान सुबेरा साहब, उनकी ये डायरेक्शन है कि जो भी हम गैंग पकड़ते हैं सबसे पहले वो कहते हैं कि टेक्निकली इनकी CTRs निकलवा लें ताकि इनका झूठ सच इनकी प्रीवियस कॉल हिस्ट्री से ही पता लग जाएगा। अभी आजकल का दौर नहीं है कि किसी मुल्जिम कोई अपनी बात छुपा सके, क्योंकि टेक्निकल दौर है, जदीद दौर है। अगर हम इनसे पूछेंगे कि वारदात की है, अगर ये बताते हैं कि नहीं की, तो उधर इनकी लोकेशन आ जाती है उस टाइम पे, तो फिर अंडरस्टूड बात है कि वो वारदात इन्होंने की है। सर ये तो तीन डाकू पकड़े गए, जिस तरह के सैकड़ों डाकू अभी भी सड़कों पर दनदनाते फिरते हैं जी, वो भी गिरफ्तार हो जाने जी, तो ये जो घिनौने वारदात में मुलविस क्रिमिनल्स हैं, जराइम पेशा अफराद हैं, इनको कौन समझाएगा कि ये काम बुरा है और फिर आपको कानून के गिरफ्त में भी आना है? देखिए माल भाई, आपको पता है ये तो अजल से अब तक नेकी और बदी का साथ साथ चलता आ रहा है मामला। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है जराइम का खात्मा करना और उसको मिनिमाइज करना, वो हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहेंगे और इन जैसे जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं, जो घिनौने लोग हैं, जो जराइम करते हैं, हम उनको पकड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन जरूर कला कमा होगा जराइम का। बिल्कुल, जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाना और क्रिमिनल्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रखने के हवाले से पुलिस की तरफ से दावा भी किया गया है। असगर साहब हमारे साथ हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तीन बंदे पकड़े गए, ये कब से वारदातें कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तकरीबन 3 माह से ये वारदातें कर रहे थे और जराइम की शरह जो बढ़ती जा रही थी, वो हमारे अफसरान बाला हैं जो उनकी हदायत की रोशनी में, SP साहब हैं हमारे सदर डिवीजन ईसा खान सुकेरा साहब, उनकी हदायत की रोशनी में दिन रात मेहनत करके हमने महकमे की पेशा वराना सलाहितों को बरूए कार लाया, CCTV कैमराज की मदद से इनके स्केच तैयार किए और उसके बाद इनकी मोबाइल डाटा, मोबाइल लोकेशन और सबका जो CRO रिकॉर्ड था उसमें से ये वकास उर्फ छुरा इसको इंटेरोगेट किया, इस पे हमने वो फोकस किया, गिरफ्तार किया, तो ये दौरान इंटेरोगेशन 30-35 वारदातों के बताई तौर पर जो तहकीकात हुई है उसके मुताबिक 30 का इकरार किया है, बाकी भी अभी इंटेरोगेशन में मजीद इंकशाफात सामने आ सकते हैं, मजीद इंकशाफात सामने आ सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह महकमे की इज्जत और वकार को मलूज़े खातर रखते हुए जो लोग तंकीद करते हैं महकमा पे, वो उनको ये हमारा वर्कआउट भी नजर आना चाहिए और जो शहरियों के जानो माल की तहफ्फुज़ हमारा। बिल्कुल, पुलिस पर तंकीद तो की जाती है लेकिन उनकी जो अच्छी और कामयाबी होती है, बड़ी कामयाबी होती है, उनको सराहना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, हमें अप्रिसिएशन के साथ साथ पुलिस को दाद भी देनी होगी और जो आला पुलिस अफसरान हैं उनको भी रिवार्ड देना चाहिए ताकि ये इनको मोटिवेशन मिले और ये फिर इसी तरह की कामयाबी बार बार हासिल कर सकें। तो इन तीनों डाकुओं को
इंटरोगेशन रूम में शिफ्ट कर दें आप। बाकी सर ये बड़ी कामयाबी है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और ये घनौने वारदात में मुलविस है। मुझे तो सोच सोच के समझ नहीं आ रही कि वारदात के दौरान खतून से रेप करना, फिर मदामत पर फायरिंग भी कर देना, हवाई फायर भी करना, मैं आपको बताता हूं असला कहां से मिलता है, कौन पीछे होता है। मैं आपको बताता चलूं, जिस वक्त ये वारदात हुई थी हमने 9,500 बंदों की प्रोफाइलिंग की थी और हमने उनके 57 लोगों के डीएनए भी ऑलरेडी करवाए थे और उसमें बड़ी सारी एफर्ट की गई थी और अल्लाह ताला ने अब हमें खास कर्म किया कि ये बंदे पकड़े गए हैं, क्योंकि जिस दिन से ये वारदात हुई थी उस दिन से अफसरान भी हमारे साथ बार बार मीटिंग करते थे। एक बड़ा घिनौना ये जुर्म था और इसमें हम ईगर थे कि ये बंदे पकड़े जाने चाहिए और अल्लाह का शुक्र है कि ये बंदे पकड़े गए। और फिर सबसे बड़ी बात है इसमें कोई बंदा एस्केप आउट नहीं हुआ, आपके सामने एक बंदे ने फरार होने की कोशिश भी की, फिर फायरिंग की गई, फिर हमारा थोड़ा फायरिंग का तबादला हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये बंदे तीनों के तीनों पूरा गैंग हमने कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। अभी इनकी जब मजीद तफ्तीश करेंगे तो इनमें से काफी सारी चीजें और सामने आएंगी। डायमंड इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से तफ्तीश का अमल इन तीनों डाकुओं से जारी रहेगा, लेकिन अब तक की जो कार्रवाई है उसके मुताबिक इनसे लाखों रुपए बरामद कर लिया गया और दो पिस्टल जो दुराने वारदात गन पॉइंट पर शहरियों से पैसे और सामान वगैरह लूटते थे वो भी रिकवर हो चुका है। और दुराने वारदात गन पॉइंट पर जिस खतून से ज्यादा का निशाना बनाया गया वो पिस्टल भी बरामद कर लिए गए हैं। तीनों डाकुओं को तफ्तीश के लिए इंटरोगेशन रूम में शिफ्ट कर दिया गया है और ये पुलिस की कामयाबी है। डकैती चोरी और कत्ल वगैरह की जो बढ़ती वारदातें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और लाहौर पुलिस पेश पेश है आवाम के जानो माल को तहफुज देने में।